निलंबित टीआई ने फेसबुक पर पोस्ट के जरिए अपनी बात कही है। साथ ही घटना का पूरा वीडियो अपनी फेसबुक आईडी पर शेयर भी किया है। ज्ञात हो कि मामला मनावर क्षेत्र का है। DNU 5 मनावर थाना प्रभारी युवराज सिंह चौहान ने अपनी फेसबुक आईडी पर मॉब लिंचिंग मामले का वीडियो पोस्ट किया है। साथ ही इनका कहना था कि भले ही मैं निलंबित हो गया हूं, लेकिन मेरे द्वारा 5 लोगों को भीड़ से बचाया गया है। आगे बताते हुए कहा कि मैं अपने कर्तव्य से संतुष्ट हूं। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए भीड़ को तितर बितर किया जा रहा है। पूरा मामला मनावर थाना अंतर्गत ग्राम बोरलोई का है, जहां उज्जैन जिले के 6 किसानों के साथ बच्चा चोर की अफवाह के चक्कर में ग्रामीणों द्वारा किसानों से मारपीट की गई। सूचना मिलते ही मनावर थाना प्रभारी सहित पुलिस मौके पर पहुंची, जहां भीड़ द्वारा उन किसानों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी सहित 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।